मैं विनोद कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोजॉब राजस्थान पर। दोस्तों RPSC ने नया भर्ती कैलेंडर जारी हो सकता है जून में, और कौन कौन सी परीक्षाएं हैं उनका जो एग्ज़ाम डेट क्या है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहां पर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिसने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से हमारी वेबसाइट से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां पर किसी भी प्रकार की वैकेंसी, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ यहां से आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आपको मैं बता देना चाहता हूं, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RPSC जिसको अपन बोलते हैं, मैं कहीं विभाग में वैकेंसी खाली थी जो कि जारी होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते इन सभी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब RPSC ने इन सभी भर्ती परीक्षा के लिए जून में डेट जारी कर सकता है। भर्ती परीक्षा का कैलेंडर इस प्रकार से हो सकता है कि किसी भी एग्ज़ाम UPSC की किसी भी परीक्षा से नहीं टकराए। तो आप यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वैकेंसी है जो अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं है। तो एक तो चिकित्सा विभाग में 4000 वैकेंसी है, इसकी एग्ज़ाम डेट आपको बताएंगे। और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 573 पोस्ट है, सहकारिता विभाग में 10000 है, शिक्षा विभाग में 42000, स्थानीय निकाय विभाग जिसको अपन सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाला है अपने इसमें, तो ये अपने स्वायत्तशासन विभाग जिसको बोलते हैं अपन, या DLV जिसको बोलते हैं, 1039 वैकेंसी जो है जिसकी विधि विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फायर ऑफिसर, फायरमैन की वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों गृह विभाग में जो है आपके 5000 पद, ठीक है। तो ये सारी जो है इनका भर्ती नोटिफिकेशन आपको जल्द ही जारी किया जाएगा जुलाई तक, और उनमें आपका एग्जाम डेट भी साथ में ही इनको कैलेंडर के रूप में जारी करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने इन सभी पोस्ट का ऐलान किया है और इन सभी भर्तियों के लिए भी परीक्षा कैलेंडर बनाया जाएगा। ये भर्तियाँ भी टल गई थी जो निम्न है, पशु चिकित्सा अधिकारी, पुस्तकालय प्रधानाध्यापक, संस्कृत, RAS अधीन सेवा भर्ती 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम बकाया, जनसंपर्क अधिकारी 2019 इंटरव्यू बकाया, पुलिस उप निरीक्षक प्लांटून कमांडर भर्ती का इंटरव्यू बकाया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख लीजिए पेपर की ऑफिशियल न्यूज में आपको बता देता हूँ, RPSC जून में जारी हो सकता है नया भर्ती कैलेंडर, जिसमें आप देख लीजिए कौन कौन सी वैकेंसी सारी इन्होंने यहाँ पे बताई। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC लॉकडाउन के चलते स्थगित परीक्षाओं के लिए जून में तिथि जारी कर सकता है। भर्ती परीक्षा कैलेंडर इस तरह तैयार किया जाएगा कि UPSC की परीक्षाओं से ना टकराए। तो ये देख लीजिए आपके स्थानीय निकाय विभाग में जो सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, फायरमैन की एंड फायर ऑफिसर की, तो वह सारी वैकेंसी आपको यहाँ पर दे रखी है इन्होंने। 1039 पद है, बहुत जल्दी आने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है राजस्थान में आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा हटा दिया है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको लागू करवा लीजिए। अगर लागू नहीं होता है तो आपको बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आपको मैं ये बात कहते जनवरी से कह रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून स्टार्ट हो गया है, तो 5 महीने हो गए। 5 महीने आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। आपके अगर इस वैकेंसी में डिप्लोमा नहीं मांगता है तो आपको ये मान लीजिए फ्यूचर में कभी कोई वैकेंसी डिप्लोमा बेस में देखने को नहीं मिलेगी राजस्थान में, ठीक है। तो खासतौर से जो भी राजस्थान से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा अभी भी आपके पास वक्त है, वैकेंसी आने से पहले आप कोर्ट में रिट दायर कर दीजिए डिप्लोमा लागू करवाने के लिए। दोस्तों तो ये सारी जानकारी आपको मैंने बता दी है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो आपको अगर कोई भी भर्ती की वैकेंसी जाननी है तो आप हमारी इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, एग्जाम डेट की इन्फॉर्मेशन और न्यू नोटिफिकेशन सारी चीज़ें आपको हमारी इसी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।